Hello friends, my name is Meena, assistant professor emeritus for government college channel. आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पहला पन्ना ये वर्ड्सवर्थ के इंट्रोडक्शन आपको इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया था। आज पढ़ेंगे अपन विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी बार्डन बे माचो गुरु पासु। ठीक है, देखिए इसकी एक्सप्रेशन आज एक्सप्रेशन करेंगे इसकी। देखिए कौन देखिए टेक्स्ट दी वर्ल्ड इज टू मच बिजी सो लेट एंड स्लो गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी लाइक बेस्ट ऑफ पावर्स लिटिल वी सी इन नेचर दैट इन आवर्स वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे ए सॉलिड बीइंग दिस सॉ दैट देयर सर्वाइवल To the moon, we went that would be following a dark horse and are gathered now like spring flowers for this, for everything we are out of it. ठीक है, देखिए इसी मैंने देखिए पहले इस The world is too much of it to us. तो इस लाइन का अर्थ है दी वर्ल्ड अफेयर्स एंड मोटिव्स ऑफ मटेरियल गेन है टू लर्न ए क्लेम अपॉन आवर माइंड्स सो दैट वी हैव लिटिल अटेंशन टू स्पेयर फॉर हायर थिंग्स वी आर ऑलवेज विद इट्स कंसर्न्स। ठीक है, मतलब दुनियादारी के मामले तथा भौतिक सुख हमारे मस्तिष्क में अत्यधिक छाए रहते हैं इसके कारण हम उचित चीज़ों के लिए ध्यान देने को समय नहीं निकाल पाते। देखिए नेक्स्ट लेट एंड सून का मतलब है एट ऑल आवर्स मतलब हर समय ले बेस्ट आवर पावर मतलब बेस्ट आवर स्पेशल पावर इन सर्च ऑफ मटेरियल गेंस अपने आत्म शक्तियों को भौतिक लाभ की पूर्ण व्यर्थ हो देते हैं लिटिल वी सी इन नेचर दैट इन आवर्स इस लाइन का मीन्स है वी हैव बिकम बाइंड ब्लाइंड टू द सुपीरियर इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड आर एंगेज इन एक्सप्लोरिंग हर रिसोर्सेज ओनली फॉर आवर मटेरियल गेन्स मतलब हम प्रकृति को उस नैतिक प्रभाव को नहीं पहचानते गुणों को भौतिक लाभ के लिए काम में लाते हैं गिविन आवर हार्ट्स अवे मीन्स वर्ल्ड पावर ऑफ आर्ट एंड गेन्स मतलब हृदय की शक्तियों को तुच्छ लाभ के लिए दिया गया है सॉलिड मून्स में तो वेरी मेन बेस अनवर्दी इट इज द गिफ्ट ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन मतलब बहुत ऊंचा छूटे एवं कथित व्यापार ये भौतिक सभ्यता की देन वेयर सर पूजम है सिल्वर लाइट ऑफ मून इट इज अट्रैक्शन मतलब अपना विशाल पक्ष स्थल चांदी को दिखाता है होलिंग मीन्स रोयरिंग मीन्स रुलाना अप गैदर्ड मीन्स अप गैदर्ड लव लाइक शिल्पी फ्लॉर्स मतलब लल टू श्री ऑन दी एनर्जी टू देव लाइक फ्लॉर्स पेंट एंड फॉर्मेट एंड बिकम वर्स अगेन मतलब सुना दिए जाते हैं सारी शक्ति में शुरू कर एकत्रित हो जाती है शुरू के समय जो शुरू का पुनः कले को उदाहरण कर लेती है आउट ऑफ टू मीन्स आउट ऑफ हार्मनी। ठीक है, अब देखिए इसकी एक्सप्रेशन देखिए टी वाली टू मच लेट एंड स्पेंडिंग
We lay waste our powers, let it be seen in nature, that in ours we have given our heart away, a sordid wound, this saw that wear, our bosom to the moon, he winds that will be holy at our hours, and are upgathered now lies sleeping flowers. What is for everything we are out of food. These lines have been taken from the sonnet entitled "The World Is Too Much of Little Us," written by Wordsworth. The poet was a great lover of nature. He was deeply pained to see that his contemporaries were wasting on their thoughts and time in earning money. They had great powers for education and development of the soul. But they wasted all that thoughts in making wealth and spending it in wasteful pleasures. In earning money and spending it in and out of the season, they wasted all their power. They do not find time to appreciate the beauty of nature. ठीक है, देखिए next. They did not claim anything intensive to nature. They had completely watered their hearts and souls with mercenary bargains. They had been without the finer feelings for nature, higher values of life. It was certainly a dull bargain in which his contemporaries were engaged. ठीक है, अब देखिए next. The sight of the grand star lying open in the glare of the moonlight, night does not attract us. The winds that would be making horrible sound howling during the day are calm and quiet at night. Okay, next. But we have no time to appreciate their beauty. We have no sense of appreciation for such a great beauty of nature. We are always busy with the material pursuits of life. ठीक है, और देखिए नेक्स्ट टेक्स्ट के एक्सप्रेशन देखिए. इट मूव जस्ट नॉट बुक नॉट ग्रेट गॉड आई हैड अंडर मी ए पैगन सकल्ड इन ए क्रीड ऑट वॉल सो माई टाइप स्टैंडिंग ऑन द प्रेजेंट सा है ग्लिम्पिस दैट वुड मेक मी अस मी लेस फॉर लॉन्ग हैव साइट ऑफ फोर्टियस राइजिंग फ्रॉम द सा और हियर और टाइटन लॉन्ग विज रेगुलर फॉर. देखिए इसकी मैनेज देखिए पहले. ए पैगन मीन्स ए फॉलोवर ऑफ ऑल फेथ ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम दैट फॉलोज टू फॉर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. ठीक है, मतलब ईसाई धर्म के फैलने से पूर्व ग्रीस और रोम में प्रचलित प्राचीन धर्म के अनुयायी. सकल्ड मीन्स नरिश ब्रॉट अप पले एंड ए क्रीड outward means no any faith how all absolute and out modeled aisa sa jo purana pad gaya liya means meadow uchara gaya hai air limpe se that air limpe se that would have been less for loans means the old pagans would be in the number of mighty presiding over the different objects of nature. Everything in nature, the pagan could feel the presence of the deity. Consequently, he was never lonely in a field or a mountain, but on the sasana. But in this aspect of paganism, which attracts also the power of nature, paganism brought man much closer to nature. Then Christianity has been able to do. प्राचीन पैगा अन्य देवी देवताओं में जो प्रकृति हिंदू गुरु देवता माने जाते थे विश्वास करते थे. प्रकृति में स्थान की पैगा जन्म होती तब की उपस्थिति को जानते थे. परिणाम स्वरूप मैदान में पर्वत पर और समुद्र के किनारे कहीं भी अपने आप को अनुभव नहीं करते थे. पैगा धर्म के इसी रूप से प्रकृति को अधिकट लाया गया था. अब देखिए प्रोटियस मीन्स है एन आउट मैन ऑफ द सा एंड ग्रीक माइथोलॉजी टू टेंड एट दी सीज विच आर द ब्लॉक्स ऑफ एंड फ्राइट. ठीक
he possessed the gift of prophecy and the power of adivin, and इसे ही देखिए, ठीक है? मतलब ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र का प्रदर्शन जो एम्फोटाइट की बेलों के जंग फिर मछलियों को पालता था, उसमें वह एरो के प्रतिमा थी, वह भविष्य के बारे में बता सकता था और कोई भी रूप धारण कर सकता था। टाइटन में से ए माइनर सडाइटी लो विच कंसर्न इन ऑर्डर टू कलेक्ट वेदर द क्रिएचर ऑफ द सन कैंगडा, मतलब ये देवता जो समुद्र के विभिन्न प्राणियों को एकत्र करने के लिए अपना शंख हो जाया करता था। रेद्र हॉर्न मीन्स कॉन्च शेल। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, इट मूव दस नॉट ग्रेट गॉड आई है भी ए पेगन सफल इन ए ग्रेड आउट बोन सो वाइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्रेजेंट सर हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक यू लेस फॉलोन हैव साइट ऑफ प्रोटीस राइजिंग फ्रॉम द सन और हियर आर ट्राइटन ब्लोन हिज रेदर मतलब देखिए इसके इसमें देखिए दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी फोन दी वर्ल्ड इज टू मच विद हाउस कंपोज्ड बाय विलियम बर्ड दी पॉइंट इज गिवन एट द ग्रोइंग मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी ऑफ द पीपल ऑफ हिज एज ठीक है दे आर कंप्लीटली डिवाइड ऑफ द लव ऑफ नेचर दे रन आफ्टर वेल्थ एंड स्पेंड देयर एनर्जी इन चीप फिजिकल एंजॉयमेंट ठीक है देखिए नेक्स्ट दी पॉइंट इज सो मच डिस्कस्टेड विद दी अर्ली लाइफ ऑफ हिज एज दैट ही डिजायर्स टू रन अवे टू दी एज ऑफ पेरेंट्स हु वर सिंपल एंड इनोसेंट पीपल ठीक है अब देखिए नेक्स्ट दी पेरेंट्स लिव्ड इन वेरियस कोर्ट्स इन बॉडीज ऑन इन नेचर इन देयर कंपनी ही वुड स्टे रिजाइन मेडू एंड एंजॉय इनसेट अमंग द वैरायटी और ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर ठीक है हम देखिए नेक्स्ट हिज लॉनलीनेस विल वैनिश इन द कंपनी ऑफ द ब्यूटिफुल सीन्स ऑफ नेचर ही वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हियर द साउंड ऑफ द कॉन्शियस ओन बाई टाइटन हम देखिए नेक्स्ट ही वुड लाइक टू सी दिस गॉड प्रोटियस ही इज रेडी टू एक्सेप्ट पेगन इन प्रोफेशनलिटी फॉर द सेक ऑफ हिज लव ऑफ नेचर पैगन इन नेचर वर्शिपर ए बिलीवर इन पॉलीथेइस्टिक रिलीजन अब देखिए इसे कौन कौन से टिकल नोट्स बनेंगे पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी प्रोटियस इज द सन ऑफ ओशियन एंड टेथियस द गॉड एंड गॉडेस ऑफ सन सेकेंड पॉइंट है ट्राइटन एन एंटीडेंट ऑन द सन गॉड नेपच्यून He used to calm the waves of the sea by blowing upon his conch. The upper part of the body, heavy human form, the lower that of the fish, like a mermaid. ठीक है. Titan in Greek mythology is the son of Poseidon and Amphitrite. ठीक है अभी पॉइंट फिनिश हो गई आपको इसे लर्न करना है